छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी के पास गुरुवार की शाम कुछ स्कूली छात्रों के बीच वाद विवाद और मारपीट हुई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को पकड़ लिया। अन्य युवक अपने वाहन छोड़कर मौके से भाग निकले, जिनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया है कि जिन युवकों के बीच विवाद हुआ वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। किसी बात को लेकर छात्रों के दो गुटों में वाद विवाद और मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार की सुबह के वक्त भी इन्हीं युवकों के बीच विवाद हुआ था। उस वक्त सभी युवक यहां से चले गए थे, लेकिन शाम को एक बार फिर युवक एकत्रित हुए और जमकर विवाद हुआ। एक युवक को बेल्टों से पीटे जाने की बात प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई है। पुलिस ने मौके से तीन दोपहिया वाहनों सहित विवाद में शामिल एक युवक को पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आपका क्या नाम है? प्रियव्रत गुप्ता। किस तरह का यहाँ विवाद हो रहा था, फिर कैसी पुलिस आई शांत कर रही? वो तो अचानक में क्या है, दो 15-20 लड़के थे आपस में, पहले तो उनकी बातें होती रही, फिर एक गाड़ी में इन्होंने जो है तोड़ना चालू किया, फिर एक दूसरे मारपीट बहुत हुई है। तो किसी ने एक बेल्ट उठा के एक लड़के बहुत मारा है, और जिसकी एक जगह गाड़ी रखी थी वो पिटते फिर वो भाग गया गाड़ी छोड़ के, वो तो बहुत पिटा जिसकी गाड़ी रखी है। तो स्कूली छात्र हैं सब? स्कूली छात्र देख रहे थे, एक दो लड़के हमें बाहर के देख रहे थे। यहाँ पर तुरंत पुलिस आ गई थी, सूचना लगी थी? हाँ, सूचना का नहीं मालूम, लेकिन हाँ कोई यादव जी करके उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, करण यादव जी, वो आए एकदम परिस्थिति कंट्रोल में हुई है, पर सब लड़के वो इनकी ड्रेस देख के भागे हैं सर। एक को इन्होंने पकड़ लिया है, अब जो भी व्यक्ति हो, हालांकि वो भी उस गुट में खड़े हुए थे, वो उसमें था या नहीं ये नहीं मालूम है।